हेलो जी, नमस्ते। छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय चौहान और आपके लिए लेकर क्या है एक नई भर्ती। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसके लिए जिला रायगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 3 की भर्ती की जाएगी और वृत्ति की भर्तियां की जाएंगी। जो भी भर्ती यहां पर निकाली गई है अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों के लिए, जो है यहां पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए 5 तारीख 6 महीने 2023 को आप कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरणों के बारे में, तो सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें 5 पदों पर सहायक ग्रेड 3 की भर्तियाँ की जाएंगी। जो भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर, जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। वहीं दूसरी नंबर की पद निकाली गई है वृत्ति की, जिसमें टोटल 6 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। 2 पदों को मिलाकर के टोटल 11 पदों पर संविदा के तौर पर सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति की पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता और मिलने वाले वेतन के बारे में, तो जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, तो संविदा के तौर पर उनको 14,200 रुपये तक का प्रतिमाह एक मुश्त जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर की है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हिंदी या फिर अंग्रेजी में शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की है, वे अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है वृत्ति की, जिसमें कलेक्टर दर पर प्रतिमा जो है वेतन आपको देखने को मिलेगा। अक्सर कलेक्टर दर पर 15,600 रुपये तक का प्रतिमा जो है वेतन दिया जाता है, तो वहीं वृत्ति की जो कलेक्टर दर पर जो है यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो 5वीं पास अभ्यर्थी वृत्ति के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, 5 तारीख 6 महीने 2023 को 10:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है आप आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बता दें यहाँ पर सीधी भर्ती की जा रही है, जिसमें आपको 5 तारीख 6 महीने 2023 को रायगढ़ के कार्यालय में उपस्थित होकर के आपको स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। वहीं वृत्ति की भर्ती की जो है साक्षात्कार का जो है आयोजन किया जा सकता है। तो एक पद के लिए कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा और दूसरे पद के लिए जो है यहाँ पर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। इस भर्ती के लिए 18 से लेकर के 35 वर्ष के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जो है यहाँ पर की जाएगी। बता दें यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती के लिए जिला रायगढ़ के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। संविदा के तौर पर 6 माह के लिए जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति की 6-6 माह के लिए जो है संविदा के तौर पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर आपको 5 तारीख 6 महीने 2023 को स्वयं उपस्थित होना होगा और इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पद के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी ही रोजगार पूर्वक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए।